भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.3 करने जा रहे हैं, जो कि ग्राफ है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी में ये सवाल आता है 10 नंबर का। टोटल 2 सवाल करने होते हैं, उसमें से एक ये सवाल लाजमी है। ये अगर आप इजीली कर लेंगे तो आसानी से आप 10 नंबर ले सकते हो, बाकी कोई इजी सवाल नहीं रहा। और बहुत ही आसान भी है, बहुत मुश्किल है। आसान है कि आपने एक दफ़ा इसको समझ लिया, मुश्किल होगा तो फिर ये आप पॉइंट्स निकालते रहते जाएंगे, आपका टाइम ओवर। ठीक है बेटा, तो अभी सवाल मैंने लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के जरिए आपने इन इक्वेशंस का हल निकालना है। तो सवाल है 3x-11=y, x-3=9। सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन 3x-11=1। इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, x-3=9। इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 बनाना है और इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 4 बनाना है। लेकिन ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिसमें से एक इक्वेशन में से x अलग करें और दूसरे में से y अलग करें और इजीली इक्वेशन बन जाए। ठीक है, और इस तरह जैसे मैंने आपको बताया है कि बटा में अपॉन में कोई इक्वेशन ना बने, बल्कि सिंपली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन या सीधी लाइन में इक्वेशन जो है वो बन जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने ली है 3x-11=1। ये इजीली इक्वेशन नंबर 1 बनी हुई है। y को इधर मैंने लिख दिया, 3x-11 इधर रख दिया। इसको कोई अरेंजमेंट नहीं किया, उसी तरह जिस तरह सवाल लिखा हुआ है इसको सिर्फ मैंने अरेंज किया। अब इक्वेशन नंबर 2 ली है, x-3y=9। ठीक है, अब यहाँ से क्या x अलग किया तो 9 अपनी जगह पे आया, -3y इधर आकर के आ जाएगा प्लस का 3y इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, जब भी ग्राफिकल मेथड करते हैं तो उसमें हर नंबर के, हर जो कंपोनेंट है x और y के, चार चार वैल्यू लिखा और वो जो वैल्यू है हम सपोज करेंगे अपनी तरफ। तो मैंने आपके सामने सपोज किया, इक्वेशन नंबर 3 मैंने ली है ये वाली और वहां पर लेट किया है x की वैल्यू 1। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो रखा है मैंने x की वैल्यू 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x-11। y बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गए, 3 × 3 और -11 वही आ गया, y=3 × 3 -11। ठीक है, y बराबर क्या हो गया, 11 - 3 क्या हो जाएगा, -8। अब हमारे पास पहला पेयर बन गया x y का 1 और -8। इसी तरीके से सपोज करेंगे लेट x इक्वल टू 2, जब 2 रखेंगे x की जगह पे तो y की वैल्यू क्या आएगी वो हम देखेंगे। y इक्वल टू 3x-11, y इक्वल टू 3 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 - 11, y इक्वल टू 2 × 3 = 6 - 11, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 - 6 क्या हो जाएगा, 5। तो दूसरा पेयर हमारे पास बन गया 2 - 5। अब आगे क्या करेंगे, सपोज x इक्वल टू 3, अब x की वैल्यू 3 रखेंगे, y इक्वल टू 3x-11, y इक्वल टू 3 × 3 = 9 और क्या हो जाएगा, -11। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -11 में से प्लस के 9 जाएंगे, -2। तीसरा पेयर बन गया हमारे पास x और y का 3 - 2। लेट अब x इक्वल 4, अब चौथी वैल्यू रखनी है 4 लेट, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल 3x-11, y इक्वल 3, x की वैल्यू 4 आ गई, -11 आ गया, तो y की वैल्यू 3 × 4 का क्या हो गया, 12, -11 आ गया और y की वैल्यू 12 में से 11 निकाला तो 1। चौथा पेयर हमारे पास आ गया है x और y का 4 और 1। जब हम ये चारों पेयर निकाल लेंगे, ठीक है, पहला पेयर, दूसरा, तीसरा और चौथा, अब उसको इस तरह बॉक्स के अंदर हमने बंद करके रखना है, x और y को x बॉक्स बनाएंगे। पहले पेयर में आपने देखा x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -8, x की वैल्यू, ठीक है, 2 तो y की वैल्यू क्या हो गई, -5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 4 के भी हमने इसी तरीके से 4 पॉइंट निकालने हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में सिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको, आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से है।
और जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आएंगे। अच्छा तो बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 3 में से 4 पॉइंट इस तरह के बॉक्स निकाले, अब हमने इक्वेशन नंबर 4 में से इसी तरह इसके 4 पॉइंट निकालने हैं, 4 वैल्यूज निकालने हैं एक्स और वाई की, ताकि हमारा पूरा ग्राफ बन जाए। तो इक्वेशन नंबर 4 में पहले हमने एक्स की वैल्यू रखी, अब हम रखेंगे वाई की वैल्यू। तो वाई इज इक्वल यहाँ पर -1 रखा, अब -1 क्यों रखा, +1 क्यों नहीं रखा, इसलिए क्योंकि इक्वेशन के अंदर अगर हम +1 रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, कम रेंज में वैल्यूज को रखेंगे, ग्राफ में कम वैल्यूज शो करेंगे, कम नंबर शो करेंगे, बड़े ज्यादा नंबर जो है वो शो नहीं करते। इसलिए वाई की वैल्यू क्या रखी, -1 रखी। एक्स 9+3y, एक्स इक्वल 9+3, वाई की जगह पे -1 आ गया, एक्स इक्वल 9+-3 बंदा 3 आ गया, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9-3 6 हो जाएगा। इसका इक्वेशन नंबर 4 का पहला पार्ट हमारे पास आ गया, पहला पेयर बन गया एक्स और वाई का, 6 और -1, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू -1। फिर हमने क्या किया, वाई की वैल्यू -2 रखी, तो फिर दोबारा इक्वेशन की वैल्यू रखी, एक्स इक्वल 9+3y, एक्स इक्वल 9+3, वाई की वैल्यू क्या आ गई -2, एक्स इक्वल 9 और +-3 2 का क्या हो जाएगा 6। तो इधर आएंगे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। अगला पेयर हमारे पास बन गया एक्स वाई का 3 और -2, फिर क्या करेंगे, वाई की वैल्यू -3 रखेंगे, एक्स इक्वल टू 9+3y, एक्स इक्वल टू 9+3, वाई की वैल्यू -3 आ गई, एक्स इक्वल टू 9+-3 था 9 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। तीसरा पेयर हमारे पास बन गया 0 और -3, लेट अब वाई की वैल्यू कितनी रखेंगे -4, तो वाई -4 जब हम रखेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 9+3y, एक्स इक्वल टू 9+3 और वाई की जगह पे -4, एक्स इक्वल टू 9+-3 4 था 12, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 9 जाएंगे -3। तो चौथा पेयर हमारे पास बन गया -3 और -4। इसी तरह जैसे पहले भी हमने बॉक्स बनाया, इसके भी चारों पॉइंट्स को एक बॉक्स के अंदर एक्स और वाई के रख के हम ऐसे रखेंगे, 6 एक्स की वैल्यू 6 आ गई तो वाई की वैल्यू 1, फिर अगला पेयर 3 और -2, फिर उससे अगला पेयर 0 और -3 आ गया, और उससे अगला पेयर -3 और 4 आ गया। ठीक है, अच्छा पहले बॉक्स में और इस बॉक्स में 3 और -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, ये दोनों कॉमन है, तो ये जो कॉमन वैल्यू होंगे ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। समझ में आ गया मेरे बच्चों? यस सर। अब कोई सवाल है या कोई पॉइंट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यस सर। क्लियर? यस सर। अच्छा बच्चों अभी हमने सिर्फ पॉइंट निकाल ली और आज अभी जो है वो हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, सारी पॉइंट्स आपके सामने अभी मैंने निकाला। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो दो लाइनें हैं बीच वाली ग्राफ के अंदर, एक ये ऊपर वाली लाइन, 4 बड़े बॉक्स, 4 स्क्वायर बड़े बॉक्स इधर छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, 5 ऊपर और 5 नीचे, तो ये लाइन इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से ये लाइन लगाएंगे। फिर आपने स्केल लेना है, स्केल कैसे पता चलेगा, अब आपने पहले बॉक्स में देखा एक्स की वैल्यू हाईएस्ट है वो 8 है और वाई की वैल्यू भी तकरीबन हाईएस्ट 8 है, तो हमें कितने बॉक्स छोड़ने पड़ेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है कि ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक ये छोटे जो स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो 40 हैं और हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है 8, तो 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमने छोटे स्क्वायर बॉक्सेस कितने छोड़ने हैं, 5 छोड़ने। अब अगर ये और बढ़ जाता है ये 12 हो जाता, 12 से डिवाइड करोगे और जितने वो हमें जो है उसका आंसर आएगा उतने बॉक्स छोड़ेंगे, लेकिन होल वाले नंबर पॉइंट वाले नंबर हम छोड़ देंगे। तो 5 बॉक्स हमने छोटे स्क्वायर वाले छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 पॉइंट ऐसे लगाएंगे, ऐसे ही 5 नंबर छोड़ के हम इधर लगाएंगे, फिर 5 नंबर छोड़ के सारे बॉक्सेस इधर लगाएंगे, फिर 5 छोड़ के इधर लगाएंगे, इस तरफ वाले 1, 2, 3 प्लस वाले, इस तरफ वाले 1, 2, 3 -1, फिर ऊपर वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस वाले, नीचे वाले -1। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास है कौन सा था, 1 और -8, तो ये 1 एक्स का आ गया और ये माइनस का 8 आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया।
दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्यू और माइनस फाइव, तो ये क्यू आ गया और ये माइनस फाइव, ये पॉइंट आगे यहाँ मिल रहा है। तीसरा पॉइंट है थ्री और माइनस टू, थ्री और माइनस टू एक आके यहाँ पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट था हमारे पास फोर और वन, तो ये फोर आ गया और ये वन, यहाँ आके पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। इन चारों पॉइंट्स को यू मिलाएंगे और यहाँ पे इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस इलेवन इज इक्वल टू वाई, ये इसके बराबर लिखेंगे और ये चारों पॉइंट इस तरीके से मिलेंगे। दूसरे बॉक्स में जो हमारे पास पहला पॉइंट था सिक्स और माइनस वन था, तो ये सिक्स और ये माइनस वन, ये आके हमने कहाँ पे लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, सिक्स माइनस वन लगाया। दूसरा पॉइंट हमारे पास थ्री माइनस टू था, कॉमन पॉइंट था, तो ये थ्री आ गया, ये माइनस टू, बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे लगा लिया। तीसरा पॉइंट था हमारे पास जीरो और माइनस थ्री, तो ये जीरो आ गया और ये माइनस थ्री, इस जगह पे हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो माइनस थ्री आ गया। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या था, माइनस फोर और माइनस थ्री, तो ये माइनस फोर और ये माइनस थ्री, ठीक है, ये इस जगह पे जो है इसके सामने बिल्कुल यहाँ लगा देंगे, ये पॉइंट आपका हो जाएगा माइनस थ्री। फिर इन चारों पॉइंट्स को ऐसे खींच के लाइन में लाएंगे और इसकी इक्वल इक्वेशन लिखेंगे एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन। बाकी जितने भी सवाल हैं वो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है, और फिर भी अगर कोई बात हो तो वो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो कोई पैगाम देना होगी और सबको तो आप बोल सकते हैं, थैंक यू व्यूअर्स। अभी जो क्लास के अंदर मैंने पूरा ये सवाल समझाया, अब वो आपके सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, आप इसको जो ना जो जो मैंने बोर्ड पे समझाया वो पॉइंट बाय पॉइंट जो है ना वो इसमें बच्चों ने फेयर किया है उसको ग्राफ पेपर के अंदर, तो आप जो है वो इसी तरीके से अपनी कॉपी में इसको फेयर करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे आप सॉल्यूशन लिखने के बाद, ये पॉइंट्स जो है ना वो इस तरीके से शो करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे आप ऐसे यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से आना है, ये फेयर करना है आपने इसी तरीके से, ये बॉक्स बना देना है, ये पहली इक्वेशन के ये वैल्यूज़ आ गए, इसके कंपोनेंट्स आ गए, उसके बाद आगे ये है सारा, और आप इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ से आप आते हुए, ठीक है, आप इसको यहाँ तक दूसरा बॉक्स के कंपोनेंट्स शो करेंगे और आखिर में जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा सवाल का वो आप लिख देंगे। तो उसके बाद ग्राफ को कैसे शो करना है, सबसे पहले आपने ये स्केल शो करना है, ऑन एक्स एक्सिस फाइव स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस इज इक्वल टू वन और ऑन वाई एक्सिस फाइव स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस इज इक्वल टू वन, तो ये इस तरीके से आपने ये पॉइंट्स को शो करना है। ये आपके सामने पूरा ग्राफ जो है वो शो किया हुआ है और ये पॉइंट्स जो है वो बच्चों ने पहले ये वाली लाइन, ये आपको यू नज़र आ रही है लाइन, ये आप कॉमन पॉइंट्स शो करेंगे, उसके बाद फिर ये वाले पॉइंट्स हैं ये आप इस तरीके से यहाँ तक शो करके आखिर में आपने यहाँ पर सॉल्यूशन सेट जो है वो आंसर लिख देना। तो इस तरीके से हर ग्राफ का पेपर जो है वो इसी तरीके से बनेगा और उसका ग्राफ भी इस तरीके से बनेगा। थैंक यू।